चलेगी नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है पुलिस के आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। आज के मार्च के बारे में पूछ रहे, आज के मार्च के बारे में बाइट के लिए बोल रहे, बाइट के लिए बाइट दे दो साथ। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जिस तरह से आज प्रजातंत्र को हत्या, लोकतंत्र को हत्या कर रहा है ये ताना सरकार, ईडी और सीबीआई को आगे करके आज निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर रहा है। आज इंडिया गठबंधन ने उस दिन मीटिंग किया, ये तानाशाही नहीं चलेगी और इस मोदी सरकार को बर्खास्त करो। और मोदी सरकार जाके आज तमाम जनता आज ठान लिया है मोदी सरकार नहीं चलेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं न्यायालय को बहुत, सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं जो संजय जी को जमानत दिया। न्यायालय में हमें विश्वास है और साबित कर गया कि फ्रॉड केस बना करके नेताओं को बंद करने की साजिश है। उनको मोदी को किसी से डर है, उसका नाम केजरीवाल है। केजरीवाल आज मोदी जी केजरीवाल से डर गया है। जब केजरीवाल जो गरीबों की मदद और पब्लिक हित की बात करता है, महिला सुरक्षा की बात करता है, उससे डर गया है और लोगों को बंद करके डरा रहा है। लेकिन जनता जान चुकी है नहीं चलेगी। आज हम मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि झूठे केस लगा के जो हमारे बड़े शीर्ष नेता है उनको बंद कर दिया। और जैसा कि कल आपने देखा, छह महीने के बाद संजय सिंह छूट के आए और कोर्ट ने, कोर्ट का भी हम सम्मान करते हैं, कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया। और मोदी जी चाहता है कि अरविंद जी को बंद करके आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अरविंद के बंद होने से पार्टी कमजोर नहीं होगी और मजबूत होगी। एक एक आदमी, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेगा। और जब चुनाव आएगा, जब चुनाव आएगा, जब दिल्ली में चुनाव होगा लोकसभा का, तो वोट की चोट एक गरीब लोग जो मारेगा, जो अरविंद जी का सिपाही है, साथी है, वो वोट के रूप में इनको इस क्षेत्र से साफ करेगा, दिल्ली से साफ करेगा। नहीं चलेगी।